तो आज के हमारी इस पावर बी आई क्लास में हम बात कर रहे हैं डैक्स फंक्शन। हम डैक्स कैलकुलेशन आज शुरू करने वाले हैं रियान जी के साथ। रियान जी, शुरू करते हैं डैक्स कैलकुलेशन बस कुछ सेकेंड्स में। और जो लोग यूट्यूब में मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको पूरी कंटिन्यूस वीडियो चाहिए तो मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। सारे जो डिटेल्स है, लिंक्स हैं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है और साथ में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। तो चलिए हम बात करते हैं कैलकुलेशंस की। तो हमने अपने पास एक डेटा शीट यहाँ पे रख रखा है। एक बार हम डेटा टेबल में जाते हैं। डेटा टेबल में मुझे मेरा डेटा दिख रहा है, बट मेरा डेटा इनकम्प्लीट दिख रहा है। इनकम्प्लीट इन द सेंस, जैसे देखिए यहाँ पे दिख रहा है क्वांटिटी एंड MRP, राइट, बट यहाँ पे इसका टोटल नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो 20 रुपीज के हिसाब से 84 क्वांटिटी सेल की गई है, तो कितनी अमाउंट कैलकुलेट की गई है। तो इस तरह की कैलकुलेशंस आप जो है डेटा को इंपोर्ट करते समय पावर क्यूरी के अंदर भी कर सकते हैं, या अगर आपने पावर क्यूरी में नहीं किया है तो आप यहाँ इसमें पावर BI के डेटा शीट में भी कर सकते हैं। तो कैसे करें, तो इसके लिए आपको यहाँ कॉलन यहाँ दिख रहा हूँ न्यू कॉलन, इस न्यू कॉलम पे क्लिक कीजिए। याद रखिएगा यहाँ आपको यहाँ पे आना पड़ेगा कॉलम टूल्स में, राइट, तो टेबल टूल्स नहीं कॉलम टूल्स में। तब कॉलम टूल्स में जब आते हैं क्लिक करते हैं तो इस तरह से क्लिक होता है, और यहाँ पे एक हमें फॉर्मूला एक्सेल का जो फॉर्मूला बार होता है उसी तरह का एक फॉर्मूला बार मिल जाता है, राइट। तो यहाँ पे हम देते हैं नेम, मान लीजिए मुझे चाहिए अमाउंट, तो हमने यहाँ पे अमाउंट टाइप कर दिया, और यहाँ पे हम देते हैं कैलकुलेशन से क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय MRP। तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी लिखना नहीं है, सिलेक्ट करना है, ध्यान रखिएगा। अब क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय इस तरह से MRP लिख देंगे ना तो आपका फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है, आपने क्वांटिटी लिखा और नीचे सजेशन में आके आप टैब प्रेस कीजिए, ये सिलेक्ट हो जाएगा, और सिलेक्ट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। देन यहाँ पे मैं MRP लिखा और MRP को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है रियान जी, ओके ओके। उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो जो अमाउंट आपने यहाँ पे लिखा है ये आपके कॉलम का टाइटल होगा, और एक कैलकुलेशन रिजल्ट होगा, पूरे कॉलम में आ जाएगा। ऐसा नहीं एक्सेल में एक करके फिर नीचे ड्रैग करना होता है, ये सिस्टम यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ आप एक बार अप्लाई करके एंटर प्रेस करें, पूरा कॉलम में उसकी कैलकुलेशन आ जाती है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ओके ओके। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पे निकाल लिया टोटल, तो आप इसका इस्तेमाल अपने डेटा शीट पे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे मुझे चार्ट चाहिए कि सिटी ने कितनी अमाउंट की सेल की है, तो मैंने यहाँ पे कॉलम चार्ट लिया। कॉलम चार्ट लेने के बाद हमने इसमें अपना नेम को पुट किया और अपने अमाउंट को पुट किया। तो अमाउंट को पुट करते हैं, देखिए मेरा टोटल वाइज सेल आ गया, राइट। अब यहाँ पे चीज ध्यान देने वाली बात है, देखिए क्वांटिटी जो है आपका ये कॉलम है, आपका डेटा कॉलम है, इसमें सम का साइन है ना, क्लियर। यहाँ पे डेट अब है आपका डेटा टेबल में डेट है तो कैलेंडर का साइन है, लेकिन अमाउंट के ऊपर ये देखिए सम ऑफ और साथ में कैलकुलेशन का टाइम है ना सर। इसका मतलब है कि जो इस तरह का सिंबल लग रहा है तो इसका मतलब है कि ये कॉलम डेटा से बिलोंग नहीं करता है, इसको क्रिएट किया गया है, समझे। मतलब कि आपने इसमें फॉर्मूला लगा के कॉलम क्रिएट किया है, ये अमाउंट आपके ओरिजिनल डेटा से बिलोंग नहीं करता है जी। अब यहाँ हम नी कॉलम पे एक बार और क्लिक करते हैं, मुझे मान लीजिए इसका GST निकालना है, राइट। तो कॉलम के जगह पे मैं यहाँ पे GST लिया, और GST लेने के बाद मुझे क्या करना है अमाउंट, तो जो हमने कैलकुलेट किया है हम उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबको यूज करने का सेम तरीका है, आप टाइप नहीं करेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि पूरी पाथ के साथ इस तरह से होना चाहिए। और यहाँ पे मान लीजिए मुझे 18% है, 18% अगर हम लिख देते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि परसेंटेज का सैंपल पावर BI में एक्सेप्ट नहीं करता है। तो कैसे कैलकुलेट करें, तो परसेंटेज आपको पता होना चाहिए, जब भी किसी नंबर के लास्ट में परसेंटेज लगाते हैं तो क्या बन जाता है, वो डिवाइड बाय 100 हो जाता है ना सर।
तो ये परसेंटेज ना लगा के मैं यहाँ पे 0.18 करके इंटरप्रेस कर देता हूँ, 0.18। या फिर अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज है तो आप ब्रैकेट में 18/100 कर दीजिए, लेकिन ब्रैकेट में बोन मास मेथड होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा जीएसटी आ गया, और जीएसटी के आगे भी इस तरह साइन हो गया, इसको भी हम आसानी से यूज कर सकते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर, अपने विजुलाइजेशन के ऊपर। ओके, अब मान लीजिए मुझे इन दोनों का सम करके टोटल अमाउंट निकालना है, तो अगेन हम यहाँ कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम लिखते हैं टोटल टोटल, और यहाँ हम कुछ सम का फॉर्मूला नहीं देंगे क्योंकि जो फॉर्मूला लगता है कॉलम के हिसाब से लगता है, बट हमें दोनों को प्लस करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे अमाउंट प्लस जीएसटी, कौन सा ऑपरेटर का यूज किया, प्लस मैथमेटिकल ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज आ गई, अब बात आती है कि अगर मुझे पास कोई मैथमेटिकल कोई थ्योरी है उसको कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक डेटा एंटर करते हैं, एंटर डेटा पे जाते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉलम वन में हम प्रिंसिपल देते हैं, प्रिंसिपल, इसके बाद हम देते हैं रेट, और यहाँ देते हैं टाइम। राइट, प्रिंसिपल मान लीजिए 50,000 है, टाइम रेट मान लीजिए यहाँ पे 0.10% है, और टाइम 5 साल का है, ऐसे 65,000 है, 0.8% है, और यहाँ पे टाइम 6 साल है, और तीसरा मैं इसी तरह से ले लेता हूँ, ये 85,000, 0.5%, और ये है 10 ईयर के लिए, और हम यहाँ पे एल एन नाम से हम बनाते हैं एक डेटा टेबल। ठीक है, अब मैं अब यहाँ पे देखिए मेरे पास दो डेटा है ना, एल एन का है, स्टेबल का है, तो मुझे एल एन पे जाना है, तो मुझे एल एन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही ये आप इसको यहाँ से कोलैप्स एक्सपेंड कर सकते हैं। अब मुझे इसमें क्या करना है, एक कॉलम बनाना है इंटरेस्ट का, सॉरी अमाउंट का, क्या बोलते हैं उसको, कंपाउंड अमाउंट जो होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के जो अमाउंट होता है उसका। तो न्यू कॉलम पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कॉलम टूल्स आ गए, अब यहाँ पे हम देते हैं अमाउंट। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा मैथमेटिकल रूल क्या कहता है, मैथमेटिकल कहता है कि अमाउंट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 1 + R डिवाइड बाय N पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय N। राइट सर, N क्या है, एन इक्वल टू 12 है, मतलब कि हमारा मंथली कैलकुलेशन होता है। जब कंपाउंड स्टेज, जिसको हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, उसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड पे, एक समय सीमा पे आपकी अमाउंट, आपका जो ये है इंटरेस्ट है आपके अमाउंट में, आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है। तो मुझे इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है, तो इस तरह के मैथमेटिकल फॉर्मूला भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देते हैं पी मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 1 + R राइट, R डिवाइड बाय 12। अब डिवाइड लगा है तो यहां आपको ब्रैकेट लेना होगा। राइट, एक और ब्रैकेट क्लोज किया। अब यहां पे आपका पावर का सिंबल होता है, देखिए पावर का सिंबल जी। इस पावर के सिंबल पे हमने क्या किया, T मल्टीप्लाई बाई 12। ठीक है, अब ये जो है आपका, इन दोनों को मुझे, ये जो पी प्लस करके आ रहा है, इन दोनों को मुझे अलग करना होगा यहाँ ब्रैकेट में। राइट, तो 1 + R डिवाइड बाई एन, तो R डिवाइड बाई एन को हमने क्या किया, ब्रैकेट में रखा है, 1 + R डिवाइड बाई को भी ब्रैकेट में रखा है। उसमें पावर, ये पावर का सिंबल होता है जो शिफ्ट के साथ 6 प्रेस करने से आता है। इसमें हमने मल्टीप्लाई किया टी एन 12 को, और टी एन 12 को भी एक जगह पर ब्रैकेट में डाल दिया। तो जब भी कैलकुलेशन करेंगे मैथमेटिकल, तो ब्रैकेट का ख्याल आप रखेंगे। राइट, एंटर प्रेस कीजिए, आपका यहाँ बन के आ गया।
अब यहां जो बन के आया इसमें आपका डेसिमल प्लेसेस ज्यादा लगा, आप चाहते हैं कि डेसिमल प्लेसेस अपने हिसाब से होना चाहिए, तो यहाँ ऑटो दिख रहा है आपको, ऑटो की जगह पे आपको जितना डेसिमल प्लेसेस चाहिए वो डाल दीजिए, आप दो चाहिए एक चाहिए डाल दीजिए, ठीक है। तो सर ये डाटा कैटेगरी क्या है बराबर में, और समराइजेशन डेटा देखिए, डेटा कैटेगरी इसमें जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये डेटा कैटेगरी में बताया था कि आपको क्या है, नंबर है, होल नंबर है, टेक्स्ट है, क्या है, आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो डेटा को, ओके ठीक है। और ये आपका फॉर्मेट होता है, समराइजेशन में होता है कि जब इसकी समरी निकलेगी तो सम होगा, यहाँ पे सम एवरेज मिनिमम मैक्सिमम क्या करना चाहते हो। अच्छा, जो हम उसमें करेंगे फॉर कहते हैं नेम बार में वो जी दिखेगा। नेम बार में नहीं समझ गए, जैसे हमने यहाँ पे सम किया हुआ है ना, तो जब मैं होम पे जब इसको लूंगा चार्ट में तो वहां पे वो सम हो जाएगा, अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एवरेज किया तो वहां पे एवरेज हो जाएगा। डेटा कैटेगरी में अनकटलाइन दिख रहा है तो कैटेगरी नहीं है इसमें, मान लीजिए इसमें से आपका लैंगिट्यूड लोंगिट्यूड तो नहीं है, या आपका सिटी तो नहीं है, आपका स्टेट तो नहीं है, जैसे उसके लिए यूज होता है। हमने सेलेक्ट कर लिया ये रहा, ये मैंने इसको अगर क्लिक क्लिक करता हूँ सिटी को, देखिए सिटी को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए अनकटराइज में बताता है सिटी, अगर मैं सिटी क्लिक कर दूंगा तो वो मैप डेटा में खोजेगा इस नाम की सिटी और उस सिटी को रिकोगनाइज कर लेगा आपको, सर पोस्टल कोड कंट्री क्या है आपका, है या यू आर एल है या इमेज यू आर एल है या बार कोड है, वो सर यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है सर। तो अब आप क्या करें, आप अपने हिसाब से